हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल उमेश गुरु ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो के जरिए मैं बात करूंगा पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी, लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट। आपके फेसबुक पेज पर बार बार लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इश्यू आता है, तो इस वीडियो के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा कि लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इश्यू कैसा रहता है। देखिए, मैं बिगिनर से लेकर एडवांस तक इस वीडियो में मैं बताऊंगा LOC क्यों आते हैं, LOC किस कारण से आते हैं, डिमोनेटाइजेशन किस कारण से हो जाते हैं, और जब आप LOC को हटाते हैं तो वो कैसे हट जाते हैं, कौन से ऐसे कारण होते हैं, फैक्टर होते हैं जो वो बाद में रिमूव भी हो जाते हैं, कैसे रिमूव करी जाती है, सभी बातों को मैं इस वीडियो के जरिए आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, समझा दूंगा। ऐसा वीडियो आपको फेसबुक पर दूसरा नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और मैं सबसे पहले ये दिखाता हूँ कि लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट आने से आपके फेसबुक पेज पर क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं। देखें, यहाँ पे सबसे पहले आप जब अपने किसी भी फेसबुक पेज में पहुँचेंगे जिस पेज में आपका LOC आया हुआ है, तो देखें, देखने के लिए पहले तो क्रिएटर स्टूडियो था, लेकिन अब यहाँ पर आपको मेटा बिजनेस स्वीट में ही जाना होगा। मेटा बिजनेस स्वीट में जैसे आप क्लिक करेंगे, आपका मेटा बिजनेस स्वीट का इंटरफेस डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखता है। तो देखिए, इसके बारे में मैं अगर आप वीडियो मांगेंगे तो हम इसके बारे में कंप्लीट आपको इस मेटा बिजनेस के बारे में वीडियो दे दूंगा, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी और कैसे इसे रिमूव करना है, कैसे रिमूव हो जाते हैं, आते क्यों है ऐसा, और क्या आप ऐसा करेंगे जो कभी भी आपके फेसबुक पेज पर लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इश्यू ना आए, तो इस वीडियो में इसी सभी टॉपिक को मैं कवर करूंगा। तो वीडियो को एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहे। देखें, यहाँ पे आपको मोनेटाइजेशन टैब दिख जाएगा। सिंपली जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, तो अगर आपके फेसबुक पेज पर मोनेटाइजेशन का कोई LOC आया हुआ है तो आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। किसी भी फेसबुक पेज पर अब ऐसा हो गया है कि आपके प्रोफाइल पर भी मोनेटाइजेशन का इश्यू देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, वन पेज विथ मोनेटाइजेशन इश्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो मोनेटाइजेशन इश्यू यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब देखिए, यहाँ से आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं अपने फेसबुक पेज का। यहाँ से डिटेल्स देख सकते हैं कि किसके लिए क्यों यहाँ पे आपके फेसबुक पेज पर मोनेटाइजेशन का LOC आया हुआ है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम व्यू पेज एलिजिबिलिटी में जाएंगे, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, जब अदर मोनेटाइजेशन टूल्स का यहाँ पे एक्सपांड करेंगे इस एरो की को, तो यहाँ पे देखेंगे कि आपको इनस्ट्रीम एड्स ऑन डिमांड क्राइटेरिया नॉट मेट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए, यहीं पे जो सबसे इम्पोर्टेंट देखने वाली बात होती है, क्राइटेरिया नॉट मेड अगर आपके फेसबुक पेज पर रहता है तो आपके फेसबुक पेज पर कोई भी मोनेटाइजेशन का इश्यू नहीं है। यहाँ पे मैं दिखाऊँ सी डिटेल्स में ले जाके, तो सी डिटेल्स में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे इसका डिटेल्स आपको देखने को मिलता है। देखिए, यहाँ पे इन्होंने बताया है यू में बी एट रिस्क फॉर मोनेटाइजेशन रिस्ट्रिक्शन पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी, यहाँ पे रिव्यू करने के लिए एक बार पूछा जा रहा है। फिर भी यहाँ पे देखिए, इस पर मोनेटाइजेशन कोई इश्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो ये येलो दिखा रहा है, जब आप इसके कंटेंट को डिलीट करेंगे तो कोई भी यहाँ पे मोनेटाइजेशन का इश्यू अभी नहीं है। अब मैं दिखाता हूँ कि एक पेज पे जो मोनेटाइजेशन का इश्यू आया हुआ है, उस पेज को हम यहाँ पे ओपन करेंगे और दिखाऊंगा मैं आपको कि कैसा दिखता है मोनेटाइजेशन का इश्यू। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे अब आपको ऊपर में दिख रहा है ग्रीन, फुल्ली ग्रीन ये पेज है, लेकिन जब इसके एलिजिबिलिटी में जाएंगे आप तो यहाँ पे आपको मोनेटाइजेशन का इश्यू देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे भी, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे तो हमारा पेज यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ग्रीन है, लेकिन जब इसके एलिजिबिलिटी में आप जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको पॉलिसी इश्यू यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि शुरू में दिखाता है कि नो मोनेटाइजेशन वायलेशन है, और यहाँ पे आपका पॉलिसी इश्यू दिखाता है। जब आपका किसी भी पेज में पॉलिसी इश्यू दिखाएगा तो आपका वो पेज मोनेटाइज नहीं हो सकता। जब तक आप उसके उस पेज पर से पॉलिसी इश्यू को रिमूव नहीं करेंगे, तब तक आपके फेसबुक पेज पर से वो मोनेटाइज होगा ही नहीं। यहाँ पे देखिए, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी, यहाँ पे जब इस लिंक पर क्लिक करेंगे सी पॉलिसी इश्यू पर, तो इसके पॉलिसी इश्यू आपको दिखाया जाएगा एक नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे मेटा बिजनेस स्वीट में ही ये ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पॉलिसी इश्यू क्यों आया हुआ है। पॉलिसी इश्यू यहाँ पे देखें, ये भी नो मोनेटाइजेशन वायलेशन दिखा रहा है, और नीचे में देखें रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू भी यहाँ पे हाइड है। तो देखें, इस तरह के पेज को आप ठीक कर सकते हैं कि नहीं,
तो इसका जवाब हाँ है, इस तरह के पेज को आप ठीक कर सकते हैं, फिर से इस तरह के पेज मोनेटाइज हो जाएंगे कम्प्लीटली। जिस पर LOC आया हुआ है उस पेज को भी आप मोनेटाइज कर पाएंगे। जब तक आपके पेज रेड नहीं होते हैं तब तक आप अपने फेसबुक पेज को मोनेटाइज कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको दिखाया कि पॉलिसी इश्यू मोनेटाइजेशन का लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट कैसा दिखता है। तो आप अब तक समझ गए होंगे कि कैसा दिखता है लिमिटेड और ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इश्यू। अब हम बात करते हैं कि लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इश्यू आता क्यों है, इसको भी आपको समझना जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को आप ध्यान से देखते रहे, इसे कैसे रिमूव करना है मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको कोई भी मेहनत भी नहीं करनी होगी, आपका ऑटोमेटिक आपके फेसबुक पेज पर से LOC का इश्यू हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे क्या करेंगे कि आपके फेसबुक पेज पर LOC का प्रॉब्लम ही ना आए। अगर आप इसे जान लेते हैं तो आपके फेसबुक पेज पर LOC का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो देखिए, ये फेसबुक का हेल्प सेंटर है, अगर आप हमें कहेंगे तो मैं इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। लिंक प्रोवाइड करने से कुछ नहीं होता, यहाँ पे आपको समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए, इस आर्टिकल में फेसबुक ने खुद बताया है कि लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट आता क्यों है आपके फेसबुक पेज पर। यहाँ पे कुछ कारण के कारण नहीं आते हैं, जैसे कि इन्होंने बताया है कि अगर आप ओरिजिनल कंटेंट नहीं देंगे तो भी आएगा। यहाँ पे इसे आप अच्छी तरह से जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखे कि एग्जाम्पल ऑफ ओरिजिनल कंटेंट का इन्होंने बताया है कि न्यू एपिसोड क्लिप्स और रिटेलर्स ट्रेलर्स। यहाँ पे अगर आप साइड बाय साइड एपिसोड बाय एपिसोड नहीं डालते हैं तो फेसबुक को लगता है कि आपका जो फेसबुक पेज पर कंटेंट है वो आपका नहीं है। जैसे कि ब्लॉग क्रिएटर करते हैं, कंटेंट फिल्म्ड बाय पब्लिशर द्वारा करी जाती है, न्यूज कवरेज जैसे करी जाती है, रेगुलर बाय रेगुलर वीडियो अपलोड होते हैं। उसके बाद इन्होंने बताया है कि मीनिंगफुली इन्हांस कंटेंट, अगर आपका कंटेंट मीनिंगफुली नहीं है तो भी आपके फेसबुक पेज पर LOC का प्रॉब्लम आएगा। नीचे में अगर मैं दिखाऊं कि लिमिटेड ओरिजिनलिटी, यहाँ पे इन्होंने कम्प्लीटली यहाँ पे इन्होंने डिफिनेशन बताया है। तो देखिए, इन्होंने बताया है कंटेंट वायलेट्स आवर लिमिटेड ओरिजिनलिटी पॉलिसी इफ योर पेज और प्रोफाइल हैड नो रोल इन क्रिएटिंग इट एंड डज नॉट मीनिंगफुली एल्टर इट सोर्स। तो इन्होंने बताया कि मीनिंगफुली अगर एडिट नहीं रहेगा, मीनिंगफुली क्रिएट नहीं करेंगे तो आपके फेसबुक और प्रोफाइल पर दोनों पर LOC का प्रॉब्लम आ सकता है। यहाँ पे इन्होंने बताया पेज और प्रोफाइल्स दैट डू नॉट मीनिंगफुली इन्हांस एंड एड वैल्यू टू द कंटेंट दे पोस्ट विल बी अनेबल टू मोनेटाइज। यानी कि आपके फेसबुक पेज पर ऐसा अगर मीनिंगफुली कंटेंट इन्हांस वाला नहीं रहेगा तो आप मोनेटाइज भी नहीं कर पाएंगे अपने फेसबुक पेज को। यहाँ पे देखिए, इन्होंने उसके बाद बताया एंड विल रिसीव लेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन फेसबुक। देयर आर थ्री मेजर बिहेवियर्स दैट कैन लीड टू लिमिटेड ओरिजिनलिटी फ्लैग्स फॉर योर पेज और प्रोफाइल। देखिए, ये मुख्य रूप से तीन जो फ्लैग बताए हैं, तीन टाइप के फ्लैग होते हैं और तीन टाइप से आपको अगर आप एडिट करते हैं तो आपके फेसबुक पेज पर लिमिटेड ओरिजिनलिटी का इश्यू नहीं आएगा। देखिए, इन्होंने अब बताया है लिमिटेड एडिटोरियलाइजेशन। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपको वीडियो देखते रहना है, क्योंकि जब आप ये नहीं जानेंगे कि कैसे आता है तो आप उसे रिमूव तो कर जाएंगे, फिर से आपके फेसबुक पेज पर LOC का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो देखिए, इन्होंने इस आर्टिकल में जो बताया वही मैं बता रहा हूँ। लिमिटेड एडिटोरियलाइजेशन में इन्होंने बताया है अ पेज और प्रोफाइल पोस्ट वीडियो दैट द पेज और प्रोफाइल डिड नॉट फिल्म और प्रोड्यूस विथ माइनर बट नॉट मीनिंगफुली एनहांसमेंट। देखिए, कोई भी वीडियो लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, कहीं से भी आप उठाते हैं, उसमें अगर आप वॉइस ओवर नहीं करते हैं, यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया है वॉइस ओवर कमेंट्री ग्राफिक्स और क्रिएटिव एडिटिंग दैट डू नॉट ऐड वैल्यू, यानी कि ये सब अगर आप उसमें वैल्यू नहीं डालते हैं, डायरेक्ट आप जैसे कि मेंबर्स लगा देते हैं, लोगो लगा देते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज कर देते हैं, वीडियो के स्पीड को चेंज कर देते हैं, सबटाइटल लगा देते हैं, लैंग्वेज ऑडियो लैंग्वेज लगा देते हैं, ये सब अगर आप करते हैं तो वो लिमिटेड एडिटोरियलाइजेशन में जाता है। जब तक आप उसमें वॉइस ओवर नहीं करेंगे, कमेंट्री नहीं करेंगे, ग्राफिक्स नहीं करेंगे, क्रिएटिव एडिटिंग नहीं करेंगे, तब तक आपका वो वीडियो नहीं माना जाएगा। और हाँ, अगर आप अपना रिएक्शन वीडियो अगर आप बनाते हैं, साइड में अपना वीडियो लगाते हैं, तो वो भी आपका कंटेंट माना जाता है। उसके बाद नीचे इन्होंने बताया है कि एग्रीगेटिंग अ पेज और प्रोफाइल कंपाइल्स एंड पोस्ट वीडियो फ्रॉम मल्टीपल पेजेस प्रोफाइल और थर्ड पार्टी कंटेंट क्रिएटर। एग्जाम्पल में इन्होंने बताया कि ऐसा पेज जो कई बार
अलग अलग जगह पे वो वीडियो पोस्ट अपलोड हुआ है, वही वीडियो को आपने अपने फेसबुक पेज पर डाला है, थर्ड पार्टी से उठाकर डाला है, तो भी वो आपका कंटेंट नहीं माना जाएगा, मीनिंगफुली इन्हेंसमेंट में नहीं माना जाएगा और आपके फेसबुक पेज पर LOC का प्रॉब्लम आएगा। डुप्लीकेट कंटेंट में उन्होंने बताया है, अ पेज और प्रोफाइल पोस्ट का कंटेंट दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन फेसबुक, यानी कि ऑलरेडी अगर फेसबुक पेज पर कंटेंट है तो वो भी अगर आप डालते हैं तो भी वो आपका नहीं माना जाएगा, आपके फेसबुक पेज पर LOC का प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। यहाँ पे नोट में उन्होंने बताया, दिस पॉलिसी कैन स्टिल अप्लाई कॉपीराइटेड और लाइसेंस कंटेंट, यानी कि दूसरे के कंटेंट को उठा के जो आप काम करते हैं तो ये सभी रूल्स दूसरे के कंटेंट पर लागू होते हैं। उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट स्टेप में बताया, इफ योर पेज और प्रोफाइल हैज़ बीन फ्लैग्ड और पोस्टिंग कंटेंट दैट विथ लिमिटेड ओरिजिनलिटी वी रिकमेंडेड दैट यू कंसीडर द फॉलोइंग सॉल्यूशन, इन्होंने सॉल्यूशन भी बताया है, पोस्ट कंटेंट दैट योर पेज और प्रोफाइल क्रिएटेड द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर पेज और प्रोफाइल इज टू रेगुलरली पोस्ट कंटेंट दैट यू प्रोड्यूस योरसेल्फ और विथ योर डेडिकेटेड पार्टनर्स, यानी कि डेली बाय डेली आपको वीडियो डालते रहना होगा, मेक मीनिंगफुली इन्हेंसमेंट करना होगा आपको, उसके बाद रिव्यू एवेल्यूएट योर कंटेंट फाइल एंड अपील। देखिए यहाँ पे इन्होंने अपील का यहाँ पे लिंक दे रखा है, यहाँ से आप जब आपके फेसबुक पेज पर LOC आता है तो यहाँ से आप अपील कर सकते हैं, लेकिन आपको अपील करने की ज़रूरत नहीं है, आपका फेसबुक पेज से लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इश्यू हट जाएगा, बस आपको वीडियो देखते रहना है। तो देखें फ्रेंड्स, इस आर्टिकल को अगर आप अपने लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, इस आर्टिकल को आप किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, नीचे में लैंग्वेज सिलेक्शन का यहाँ पे दिया हुआ है, हिंदी में पढ़ना हो, उर्दू में पढ़ना हो, जिस भी लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हैं उस लैंग्वेज में इस आर्टिकल को पढ़कर आप लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट क्यों आता है उसके बारे में समझ सकते हैं। उसके बाद दूसरा टैब में मैंने ओपन कर रखा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी, इसके वजह से भी आपके फेसबुक पेज पर LOC का प्रॉब्लम आता है, इन्होंने इस आर्टिकल में क्लियर करके भी रखा है। यहाँ पे देखिए, फेसबुक मोनेटाइजेशन एलिजिबिलिटी MES कॉल्ड पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी PMP, दिस इज स्टिल द बेस्ट प्लेस टू लर्न अबाउट द रूल फॉर अर्निंग मनी विथ योर कंटेंट, इस आर्टिकल में इन्होंने इसको समझाया है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को, क्या क्या नहीं करना है आपको, यहाँ पे इन्होंने डिटेल्स में समझाया है, जैसे कि देखे क्रिएट कंटेंट ऑन अ एलिजिबल सोर्स में इन्होंने बताया है कि एट दिस टाइम मोनेटाइजेशन फीचर आर अवेलेबल फॉर पब्लिक कंटेंट ऑन फेसबुक पेज प्रोफाइल इन प्रोफेशनल मोड इवेंट एंड ग्रुप कंटेंट पेड फॉर ऑन फेसबुक बट कंज्यूम्ड ऑन थर्ड पार्टी साइट मे बी एलिजिबल मोनेटाइजेशन, फेसबुक प्रोफाइल आउटसाइड प्रोफेशनल मोड आर इन एलिजिबल और मोनेटाइजेशन प्रोडक्ट आर फीचर्स। तो इन्होंने इसमें बताया है, अगर आप अपने लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उसके बाद रिसाइड इन एलिजिबल कंट्री, आप एलिजिबल कंट्री में भी रहना चाहिए, फॉलो अवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड, फेसबुक का जो कम्युनिटी गाइडलाइन का स्टैंडर्ड है उसे भी आपको फॉलो करना होगा, यहाँ पे कम्युनिटी के बारे में अच्छी तरह से लिखा हुआ है तो कम्युनिटी के बारे में पढ़ना होगा आपको, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ना होगा, ऑथेंटिक कंटेंट के बारे में आपको पढ़ना होगा, ओरिजिनल कंटेंट कैसा है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए ये सभी आपको, इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जब आप चेक करेंगे तो आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप अपने लैंग्वेज में इसे आप पढ़ सकते हैं। तो आपने लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट कैसे आता है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप बेसिक समझ ही गए होंगे, उसके बाद पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को भी बेसिक आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए अब ये जानते हैं कि लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट को आप कितने तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट को आप केवल एक ही तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, उसके लिए यहाँ पे एक ट्रिक है जो फेसबुक का लेवल अप प्रोग्राम वाला ट्रिक है। देखिए आपका फेसबुक का कैटेगरी कोई दूसरा रहता है तो फेसबुक का कैटेगरी देखने के लिए यहाँ पे आपको एडिट बटन दिख जाएगा, तो यहाँ पे इस एडिट बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो अब आप इसका कैटेगरी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसका कैटेगरी जो है ये फैन पेज है, तो लेवल अप प्रोग्राम करने के लिए इसका कैटेगरी आपको चेंज करना होता है। यहाँ पे देखे कि यहाँ से इसका कैटेगरी आप डिसेबल नहीं कर सकते, इस पेंसिल बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखे कि अब यहाँ पे पेंसिल बटन पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि फेसबुक गेमिंग क्रिएटर वाला कैटेगरी आपको यहाँ पे लगा लेना है। देखे यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ फेसबुक गेमिंग कैटेगरी,
तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप यहाँ पे इस कैटेगरी को एडिट करके गेमिंग वीडियो जब यहाँ पे टाइप करेंगे, ध्यान रखें फ्रेंड्स, आपको गेमिंग वीडियो जब टाइप करेंगे तब यहाँ पे आपको गेमिंग कैटेगरी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए कि अब आपका कैटेगरी कोई भी है, जैसे कि इस केस में मेरा इस पेज का फैन पेज था इस पेज का कैटेगरी में, तो इसको आपको यहाँ पे गेमिंग वीडियो क्रिएटर में इसे चेंज कर देना है। सबसे पहला काम आपको यही करना है। देखिए गेमिंग वीडियो क्रिएटर मैंने कर दिया, यहाँ पे अब आपको सेव कर देना है। देखिए ये सब ट्रिक अप्लाई करने से पहले आपको अपने पेज का कैटेगरी को चेंज करना होगा, गेमिंग वीडियो क्रिएटर में आपको कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पे इस केस में देखिए मैं यहाँ पे इसे सेव नहीं करूँगा। अब क्या करना है इसके बाद, मैं आपको इसके बाद का प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको गेमिंग वीडियो क्रिएटर कर देना है और यहाँ पे सेव कर देना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे सेव ही कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अब इसका कैटेगरी जो है चेंज हो गया है। इसे देखने के लिए फिर से आप यहाँ पे एडिट में जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको नीचे में दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए अभी तक इसका चेंज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे रिफ्रेश एक बार हम करते हैं तो देखते हैं कि इसका चेंज हुआ है या नहीं। बस वहीं से चेंज होता है, वहीं से आपका चेंज भी होगा। चेंज नहीं होता है तो आप कुछ देर वेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि अब इसका कैटेगरी यहाँ पे कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। देखिए गेमिंग वीडियो क्रिएटर यहाँ पे अब लग चुका है। तो देखिए अब गेमिंग वीडियो क्रिएटर तो लग चुका है, अब आपको क्या करना है। सबसे पहले ज्वाइन द लेवल अप प्रोग्राम के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ रहना चाहिए कि देखिए कि क्यों हट जाता है आपके फेसबुक पेज से लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इश्यू, कैसे रिमूव हो जाते हैं। यही पे ट्रिक है फ्रेंड्स। देखिए जब आप अपने फेसबुक पेज को चेंज करते हैं गेमिंग वीडियो क्रिएटर में, फेसबुक खुद कहता है कि आपके पास अगर ऑलरेडी कोई पेज है तो आप उसे फेसबुक गेमिंग क्रिएटर में कन्वर्ट करके उस पर आप वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे फेसबुक खुद यहाँ पे बता रखा है, इस आर्टिकल को यहाँ से अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कैन आई ज्वाइन द लेवल अप प्रोग्राम। यहाँ पे इन्होंने लिखा है यू आर एलिजिबल फॉर द लेवल अप प्रोग्राम इफ यू क्रिएट अ गेमिंग वीडियो क्रिएटर दैट हैज बीन एक्टिव फॉर एटलीस्ट 14 डेज With an admin who is 18 or older, यानी कि 18 साल से ऊपर का एडमिन है जो 14 दिन से एक्टिव है गेमिंग वीडियो क्रिएटर पेज में, और कम से कम 100 फॉलोवर्स उसके होने चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे देखें कि स्ट्रीमिंग गेमिंग कंटेंट विथ गेम टैग्ड फॉर एटलीस्ट 4 आवर अक्रॉस 2 ऑफ द प्रीसीडिंग 14 डेज ओनली टैग अ गेम इफ यू विल बी प्लेइंग इट और इट में इम्पैक्ट योर एलिजिबिलिटी। यानी कि आप जब गेम को लाइव करेंगे तो आपका वो गेम टैग भी होना चाहिए, उसके बाद आपका जो है लेवल अप प्रोग्राम में आप शामिल हो जाते हैं। देखिए जैसे ही आपका फेसबुक पेज पर लेवल अप का एक बैज लगता है, वैसे ही आपका आपका फेसबुक पेज पर से लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इश्यू रिमूव भी हो जाता है। तो उसके लिए जो प्रोसेस मैंने बताया कि सबसे पहले आपके फेसबुक पेज पर गेमिंग वीडियो क्रिएटर का जो है कैटेगरी लगना चाहिए, उसके बाद ही आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए जब आप अपने फेसबुक पेज को गेमिंग में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, अब उसके बाद का प्रोसेस हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए यहाँ पे पहले ही मैंने इसका कैटेगरी को चेंज कर दिया है। इस पेज में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी इसका चेंज है। अब क्या करना है आपको कि देखिए अब इस पेज पर आपको गेमिंग लाइव करना है, जो भी गेम आपको खेलना आता है वही गेम को आपको लाइव करना है। जरूरी नहीं है कि आपको GTA 5 ही खेलना आना चाहिए या फिर गरेना फ्री फायर ही आना चाहिए या फिर कोई बड़ा गेम ही आना चाहिए। अगर आपको कोई छोटा गेम भी खेलना आता है, जैसे कि रेसिंग मोटो हो गया, टेंपल रन हो गया या फिर कैरम पूल हो गया, ऐसे छोटे छोटे गेम जो है आपको अपने फेसबुक पेज पर लाइव करना है, आप लाइव अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं या फिर आप अपने PC में करना चाहते हैं तो PC में आप अपने OBS स्टूडियो से भी कर सकते हैं। देखिए लाइव वीडियो में आपको विजिट करना है। अब देखिए अगर आप PC से करते हैं तो आपको गेम खेलने की ज़रूरत भी नहीं होगी, बस आपको क्या करना है कि कहीं से YT से हो या फिर एक गेमिंग प्लेटफॉर्म ट्विच है, ट्विच से भी हो, कहीं से भी आपको दो दो घंटे का गेम उठा लेना है। उठाने के बाद जो है आप अपने फेसबुक पेज पर लाइव करेंगे। तो यहाँ पे देखें कि जैसे ही मैंने यहाँ पे कैटेगरी को चेंज किया, अब यहाँ से देखें कि अब यहाँ पे जो गेम आप लाइव देने जा रहे हैं उसका कैटेगरी यहाँ से टैग करेंगे उस गेम को। जो भी गेम आप देखें, यहाँ पे कैरम पूल अगर आप खेलते हैं तो देखें कैरम पूल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखें यहाँ पे कैरम तो नहीं दिखा है, तो
देखे कैरम नहीं दिखा कैरम पूल, तो यहाँ पे देखे रियल कैरम दिखा है। बस कैरम से रिलेटेड किसी भी गेम को आप टैग करेंगे, जैसे गैरेना अगर आप लाइव करते हैं तो देखे गैरेना को लाइव करेंगे। GTA 5 अगर आपको अच्छी तरह से आता है खेलना तो देखे GTA 5 भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखे जैसे GTA आप सर्च करेंगे तो देखे GTA से रिलेटेड ढेरों गेम वाला पेज आपको यहाँ पे, किसी GTA 5 को खेलते हैं तो आपको इसको टैग कर देना है, उसके बाद प्ले करना है। या फिर आप कहीं से भी आप जब वीडियो उठाएंगे GTA वाला तो आपको GTA वाला ही यहाँ पे टैग करना है। अब देखे क्या करना है कि अब आपको OBS को ओपन कर लेना है और यहाँ पे लाइव चला के छोड़ देना है। देखिए 20 मिनट का भी वीडियो है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको लाइव करना है। देखिए आपको OBS यहाँ पे ओपन कर लेना है और OBS को ओपन करने के बाद प्री रिकॉर्डेड वीडियो को ही यहाँ पे आपको लाइव चलाना है, या फिर अगर आप खुद खेलना चाहते हैं, खुद वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उतना ज़रूरी नहीं है। देखिए अब लाइव कैसे करना है उसके बारे में आप कम्प्लीटली यहाँ पे देख ले। देखिए यहाँ पे ये मीडिया सोर्स में ऑलरेडी एक वीडियो लगे हुए हैं, तो देखिए मैं इसको चेंज करने के लिए डबल क्लिक इसी पे करेंगे तो इसका वीडियो हम चेंज भी कर सकते हैं। देखिए अब जहाँ पे भी अगर कोई गेमिंग वाला वीडियो है अगर आपके पास तो उसको यहाँ पे आपको लाइव करना है। देखिए मैं यहाँ पे गेमिंग वाला वीडियो को फाइंड करता हूँ। देखिए एक वीडियो जो है यहाँ पे गेमिंग वाला वीडियो है मेरे पास, तो इस वीडियो को ओपन करेंगे हम। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आपको लूप लगाना ही लगाना है, लूप जरूर लगाएंगे आप। और यहाँ पे देखें कि इसका स्पीड भी आप थोड़ा सा बढ़ा देंगे। देखें यहाँ पे मैंने 4 तक कर दिया इसके स्पीड को। अब यहाँ पे हम ओके बटन पे क्लिक करते हैं तो देखें हमारा यहाँ पे गेमिंग वाला वीडियो चलना स्टार्ट हो गया है। इसको मैं पहले क्लोज करता हूँ। पहले देखें फिट टू स्क्रीन करने के लिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यहाँ पे स्ट्रेच टू स्क्रीन आपको कर देना है। देखें अब यहाँ पे पूरे स्क्रीन में ये गेमिंग स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। अब आपको क्या करना है कि एक और वीडियो सोर्स आपको जोड़ना है। देखिए किसी का गेम अगर आप उठाते हैं कहीं से, YT से उठाते हैं या ट्विच से उठाते हैं, दो दो घंटे का गेम अगर आप उठाना चाहते हैं तो 2 घंटे का भी गेम आप उठा सकते हैं। तो देखिए दूसरे का कंटेंट आपको उठाना है और उसी से आपको अपने LOC को रिमूव करना है, उसे आप चाहे तो अपने पेज को मोनेटाइज भी कर सकते हैं। देखिए आप इस प्लस बटन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखें जाएंगे हम फिर से एक मीडिया सोर्स में जाएंगे, ओके बटन पे हम क्लिक करेंगे। अब आपको उस वीडियो को सिलेक्ट करना है जिसमें आपका फेस लगा हो। तो फॉर एग्जांपल के लिए देखें कि यहाँ पे मेरा एक वीडियो है ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ वीडियो है, बस इस वीडियो को मैं अपने ट्यूटोरियल्स के लिए बनाया था, तो बस इसी वीडियो को आपको ओपन कर लेना है। और देखें इस पर भी हम लूप लगा देंगे, यहाँ पर देखें लूप मैंने लगा दिया कि ये भी बार बार रिपीट होता रहेगा। और इसका स्पीड को आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप खुद का वीडियो है तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके बटन पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए ये ऊपर की तरफ घूम गया है, तो इसे हम ठीक करने के लिए फिर से ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और देखिए रोटेट 180 डिग्री करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि देखिए इसका ग्रीन स्क्रीन को भी आप चाहे तो हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करने के लिए यहाँ पर देखिए मीडिया सोर्स 2 यहाँ पर जो है इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए फिल्टर आपको दिख जाएगा, सबसे नीचे में फिल्टर दिख जाएगा, तो इसी फिल्टर में आपको जाना है। देखिए मैंने फिल्टर में गया और यहाँ पे देखिए ऊपर में ऑडियो प्लस वीडियो फिल्टर दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए कि इफेक्ट फिल्टर दिया हुआ है, तो आपको ऊपर वाले में प्लस बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको देखे कि वीडियो डिले है, कंप्रेसर है, गेन है, तो ये हमारा ऑडियो वाला है। नीचे में हम देखेंगे तो नीचे में हमारा वीडियो वाला रहेगा, तो देखे नीचे में हमारा वीडियो वाला फिल्टर आ गया है। और यहाँ पे इस वीडियो वाले फिल्टर में आपको एक क्रोमा की भी दिखेगा, तो इस क्रोमा की पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रोमा की पे क्लिक करते हैं थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना होता है। देखिए एडजस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं हुआ, डायरेक्ट इसके बैकग्राउंड से ये रिमूव हो गया है, जैसे कि ग्रीन पर्दा पर मैंने इसे शूट किया था, तो देखिए इसके बैकग्राउंड का ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो गया है। तो ग्रीन स्क्रीन भी रिमूव करना बहुत ही आसान है। तो देखिए मैं इसको पूरा छोटा कर देता हूँ, देखिए यहाँ तक मैं इसको रखूँगा और यहाँ तक मैं आपको छोड़ देना है। देखिए अब जो मैं इसे प्ले करूँगा तो दोनों को प्ले करना होगा, दोनों को स्टार्टिंग पे मैं यहाँ से इसे प्ले कर देता हूँ और यहाँ से इसे मैं प्ले कर देता हूँ। अब क्या होगा कि देखिए दोनों वीडियो चल रहा है, बस इसी तरह से आपको लाइव करना है। करना क्या है कि मीडिया सोर्स जो आपका जिसमें आपका खुद का फेस लगा हुआ है उसके वॉल्यूम को आपको कम कर देना है। जैसे कि देखिए नंबर 2 वाला सिलेक्टेड है, तो देखिए इसके मीडिया सोर्स को हम नंबर 2 वाले मीडिया सोर्स को हम यहाँ पे इसे कम कर देंगे तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा और उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा।
तो देखिए इसके लिए आपका सिस्टम भी हाई लेवल का होना चाहिए और आपका इंटरनेट कनेक्शन भी हाई लेवल का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए अब जो मैं यहाँ पे फेसबुक में विजिटेड हूँ, तो यहाँ पे देखिए आपको स्ट्रीम की दिख जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक टाइटल लिखेंगे, जैसे कि मैं हाई लाइव यहाँ पर लिखता हूँ, और यहाँ पर इसे कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में इसे भी मैं पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि पोस्ट डिटेल ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद देखें GTA, जैसे कि GTA वाला गेम है, तो GTA वाला गेम गैरेना वाला गेम है, तो गैरेना फ्री फायर को हम यहाँ पे टैग करेंगे। तो सबसे ऊपर में गैरेना फ्री फायर आ गया है, तो देखें गैरेना वाला गेम यहाँ पे टैग हो गया है। अब एक गेम को आप चाहे तो यहाँ से एक ग्रुप को चाहे तो यहाँ से प्रमोट कर सकते हैं, या फिर किसी ग्रुप में आप शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं शेयर नहीं करूँगा, और यहाँ पे देखें कि ये प्रमोशन में भी लगा सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में ही ग्रुप प्रमोशन के बारे में आपको बताया था। देखें इसी तरह से ग्रुप भी आप प्रमोट कर सकते हैं, तो ग्रुप प्रमोशन के लिए मैं यहाँ पे छोड़ दिया हूँ। तो देखें अब यहाँ पे ये लग गया है। अब सिंपली क्या करेंगे कि यहाँ पे स्ट्रीम की को आप कॉपी करेंगे, OBS में विजिट करेंगे, यहाँ पे आपको सेटिंग बटन देखने को मिल जाएगा। तो सेटिंग में जाएंगे आप, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद स्ट्रीम की को यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आपको स्ट्रीम वाला टैब दिख जाएगा, यहाँ पे आपको इस वाले स्ट्रीम की वाले को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अप्लाई करके ओके बटन पे क्लिक करेंगे, तो देखिए हमारा स्ट्रीम की लग गया है। अब यहाँ पे स्टार्ट स्ट्रीमिंग बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इन्होंने बताया है कि सी सेटिंग एडवांस में जाने के लिए इनवैलिड IP एड्रेस यहाँ पे बताया है। तो देखिए IP एड्रेस को आपको सेलेक्ट करना है, फिर से सेटिंग में जाएंगे और IP एड्रेस को यहाँ पे एडवांस में जाने के बाद यहाँ पे देखें ये जो कई बार आपके लाइव में दिक्कत आती है, तो यहाँ से आप जो है नेटवर्क में यहाँ पे जब आप विजिट करेंगे तो यहाँ से आप इसके IP एड्रेस को चेंज कर पाएंगे। देखें यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, या फिर डिफॉल्ट रख सकते हैं, या फिर कोई भी वाईफाई वाला IP को आपको सेलेक्ट कर देना है। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फिर से अप्लाई करके ओके कर देना है आपको। फिर से एक बार स्टार्ट स्ट्रीमिंग करेंगे, हम देखेंगे कि इस पर हमारा प्रॉपर वर्क किया है या नहीं। देखिए प्रॉपर जब आपका वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे ये ग्रीन हो जाएगा। अब देखिए आपका यहाँ पे पेज में भी फैच कर गया है। यहाँ पे देखिए ये भी दोनों टिक लग गया, वीडियो सोर्स पोस्ट डिटेल। अब बस गो लाइव बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा लाइव स्ट्रीम इस पेज पर चलना शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास डेटा है और आप इस पर ज़्यादा वर्क नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका फेसबुक पेज पर से लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इश्यू रिमूव हो जाए, तो देखें फ्रेंड्स इसी तरह से आप अपने फेसबुक पेज पर गेमिंग वीडियो को प्ले करके OBS के थ्रू छोड़ देना है आपको, और बस 14 दिनों तक आपको ऐसा करना है। और जब 14 दिन तक आप लगातार लाइव करेंगे तो आपका 2 घंटा 4 घंटा से ऊपर ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब 2-2 घंटे 1-1 घंटे भी लाइव करेंगे तो 14 दिन के अंदर में आपका 4 घंटा कम्प्लीट हो जाएगा, और जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपके फेसबुक पेज से LOC का प्रॉब्लम रिमूव हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे हमारा लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो गया है, और इसके लिए देखें कि आपका सिग्नल हाई लेवल का होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन हाई लेवल का होना चाहिए, तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपका वर्क करेगा। देखें फिर भी यहाँ पे लाइव स्ट्रीम स्टार्ट है तो यहाँ पे ये वर्क करेगा ही करेगा। देखें अब यहाँ पे मैंने एक काम जो नहीं किया था, तो सबसे पहले इस वीडियो को प्ले करना है, इस वीडियो को भी आपको प्ले कर देना है। जैसे ही देखें ये 32 सेकंड का ही वीडियो है, ये वीडियो जैसे ही इतना देर में ख़त्म होता है तो फिर से ये रिपीट हो जाएगा। ठीक इसी तरह से गेमिंग वाला वीडियो भी वो 12 मिनट का है लगभग, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा 12 मिनट के बाद, या फिर से ऑटोमेटिक ये स्टार्ट भी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें हमारा फेसबुक पेज में भी अच्छी तरह से यहाँ पर आपको वॉइस भी आ रहा होगा जब हम फेसबुक पेज में विजिट करते हैं। तो यहाँ पे देखें ये इस तरह से चला देना है आपको और छोड़ देना है। 14 दिनों तक आप ऐसा करेंगे तो आपके फेसबुक पेज पर से 100% LOC का प्रॉब्लम रिमूव हो जाएगा। और फ्रेंड्स जब आपका पेज मोनेटाइज रहता है तो आपके फेसबुक पेज पर लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इश्यू आए तो आप उसे भी रिमूव कर सकते हैं, उसके लिए भी ट्रिक्स है, तो अगर आप हमें कमेंट करते हैं तो उसे भी मैं किसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखें फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो का मैं वॉल्यूम कम कर देता हूं। तो देखें फ्रेंड्स अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि देखें आप अगर खुद से मेहनत नहीं करना चाहते, खुद से लाइव नहीं दिखाना चाहते हैं, तो आराम से जो है आप इसी तरह से लाइव करके अपने फेसबुक पेज से LOC रिमूव कर सकते हैं, या फिर मोबाइल से भी लाइव करके फेसबुक गेमिंग वाला प्ले स्टोर में आपको ऐप मिल जाएगा, उससे भी आप रिमूव कर सकते हैं।
तो इस तरह से आप अपने LOC को रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही रिसर्च करने के बाद ही वीडियो लाता हूं और एक ही वीडियो में आपको कम्प्लीटली, वीडियो मेरी थोड़ी लंबी होती है लेकिन एक ही वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छी तरह से पूरी तरह से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक पावरफुल एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।